इस संसार में अभिमान से बड़ा कैंसर दुनिया में नहीं है। जिसके खाते उसी के खाते खराब करते हैं हम। तब पता चला ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। आज पहले मंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलने लगे, अब षड्यंत्र चलते। अरे भाई, भगवान ने मानव बनाकर भेजा था, पशु कब बन गए? जो मानव किसी को गिराता है वो खुद गिरा हुआ है। दुनिया को ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि वो भी देख रहा है। खैर, शिशुपाल ने बहुत गालियां दी तो भगवान ने कहा ले अब तेरो भंडारो करी दूं। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी कि भगवान सबके चरण धोए? भगवान चरण इसलिए नहीं धो रहे कि वो भगवान को धोने चाहिए, वो इसलिए धो रहे हैं कि हम सबको उपदेश दे सकें, ज्ञान चरित्र से दे सकें। छोटी सी छोटी सेवा करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आप जितनी छोटी सेवा करेंगे आप उतने ही निराभिमानी होंगे, ये आपका गुण होगा। आप एक बात समझो, आपको कोई रोग लग गया बड़ा, और उसमें डॉक्टर ने कह दिया कि तुम सब की झूठन पत्तल उठाओ, तो उस समय परहेज करोगे? बोले जैसे झुकोगे तुम्हारा सर नीचे झुकेगा तो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारी सर में आएगा, उससे तुम जो है निरोगी हो जाओगे, तुम्हारी खोपड़ी का कैंसर ठीक हो जाएगा। तो बताओ, बोले पत जहाँ जहाँ शादी हुआ करे, जहाँ जहाँ फंक्शन हुआ करे, जहाँ लोग बैठ के खाया करो, उन सबकी झूठी पत्तल उठाया करो, या फिर उनको पानी पिलाया करो, सबकी सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। तब शर्म आएगी? बोलो क्यों, तब क्यों नहीं आएगी? अब तुम बदल गए क्या? तो खोपड़ी का चक्कर पड़ा तो चले गए? अरे भाई, ये भी कैंसर खोपड़ी में ही है, अभिमान का कैंसर है, और इसका इलाज सिर्फ झुकने से और सेवा से ही हो सकता है। इस संसार में अभिमान से बड़ा कैंसर दुनिया में नहीं है। इसलिए दो चीजें सीखो, आज सीखो दो चीजें। पहले, जब भी किसी से बात करो अच्छे हृदय स्माइल के साथ बात करो। तुम्हारी फोटो ऐसे नहीं आए कि जैसे ये क्रोध में बैठे हैं अब जाके सामने वाले को गोली मारेंगे, नाक से गोली मार देंगे। मैं कहना तो आंख चाह रहा था, पर आंख मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक गाना है अखियों से गोली मारे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग यही समझे कि महाराज यही कह रहे हैं, इसलिए मैंने आंख की जगह नाक लगा दिया। कई लोगों की शक्ल इतनी खतरनाक होगी, आप देख लो वो यूं बैठे भी रंग यूं। अब वो इस चक्कर में कि ये महाराज बोलना बंद करे तो इसको बाद में हम कुटकुटाएंगे। कितनी भी अच्छी प्रसंग सुना लो उनके चेहरे पे भाव बदलेंगे नहीं, वो यूं ही है। रोने का तो वो यूं ही है, हंसने का तो भी वो यूं ही है, और वैसे कोई खुशखबरी वाला भी प्रसंग सुना रहे तो भी वो यूं ही है। बदलेगा ही ना हूं। अब महाराज भी डाउट में आ जाते, या तो ही भैरव है। हम जैसे तो हम अपने ऊपर तो कुछ डाउट करते ही नहीं। मैंने आज तक टच वो ठाकुर जी कृपा से 26 साल हो गए, अपने ऊपर डाउट कभी नहीं किया। मैं तो जब डाउट किया सामने वाले पे किया। मैंने ये कई बात इसे समझ में नहीं आ रही, या तो इसे समझ में नहीं आ रही होगी या फिर ये बहरा है। तो ये अकेला बहरा है, पब्लिक बहरी थोड़ी है, इसके चक्कर में पूरा आनंद क्यों खराब करे, सुनाते जाओ। तो ऐसा नहीं, पहली बात, जब भी किसी से बात करो अच्छे हृदय से और स्माइली फेस के साथ बात करो। दूसरा, बड़ों के आगे, ध्यान से सुनना ये बात, बड़ों के आगे और गुणवानों के आगे कभी भी झुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपके बड़े हो और कोई गुणवान छोटा भी हो, गुणवान जो आपसे ज्यादा गुण है उसमें, उसके आगे झुकने में कभी संकोच मत करो, उसका आदर करो। ये चीजें महत्वपूर्ण है, ये सीखनी चाहिए हमें। और हमने तो ये कथाएं, ये पुराण हमें यही सिखाते हैं, और इसीलिए भगवान कितनी छोटी सेवा कर रहे हैं पत्तल उठाने की। अब बताइए महाराज, कितनी विचित्र बात है, दुर्योधन जैसे पापियों के चरण धोए ठाकुर जी ने, शकुनी जिसे कहते शकुनी मामा आज तक फेमस है, दो ही मामा फेमस हुए,
एक कंस मामा और एक शकुनी मामा, एक तो है मथुरा कोई मामा, अभी तक टीले में जमे बैठे हो, बढ़िया गजब का मामा है। दो ही मामा फेमस हुए, एक शकुनी मामा और एक कंस मामा, क्योंकि दोनों के नेगेटिव रोल थे ना। शकुनी के भी चरण धोए ठाकुर जी ने, शिशुपाल के चरण धोए ठाकुर जी ने। कितना दयालु स्वभाव, कितना सेवावर्ती स्वभाव। इसलिए अच्छा सेवा करके भी अभिमान नहीं हो, हमने कर रहे ना, आहा हमारे भाग्य खुल गए कि हमें ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दे दी। जितनी छोटी सेवा करोगे उतने ही महान, उतने ही बड़े हो जाओगे। तो ये कथा हुई यहां तक की, ठीक। राजसी यज्ञ संपन्न कराया ठाकुर जी ने, उसमें शिशुपाल बहुत गाली गलौज कर रहा था भगवान, क्या कर रहा था गाली। बात यह थी कि प्रथम तिलक किसे करें, सभा का अध्यक्ष किसे बनाए, सबने कहा कृष्ण को। तो दुर्योधन की साइड मिला था शिशुपाल, वो चाहता नहीं था ये यज्ञ सफल हो, तो उसने कोई पंगा खड़ा करो, पंगा पंजाबी भाषा में पंगा कहते किसको, किन्नू कहते ने पंगा, किन्नू प्रॉब्लम क्रिएट करने को पंगा कहते है ना। तो उसी पंगा ना लो, तुसी मेरे नाल पंगा ना ली, नहीं तुआनू ना, मैनू भी आंदी है लिटिल बिट पंजाबी। भगवान को गाली दे रहे सीगे शिशुपाल, तो शिशुपाल नू देख देख के भगवान उते स्माइल कर रहे सीगे, स्माइल कर रहे, बड़े मुस्कुरा रहे सीगे उते। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा था, बोले ये गाली दे रहे और ये मुस्कुरा रहे, ये कोई बात हुई। अर्जुन खड़ा हो गया, सच्चा सेवक वही है, सच्चा स्वामी भक्त वही है जो अपने स्वामी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखो जिसकी रोटी हम खाएं उसका अपमान, जिसका अन्न हम खाएं उसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जिसकी कृपा से हम संरक्षित हैं उनका अपमान से। आजकल तो खैर इन बातों को कोई बिलीव नहीं करता, आजकल तो मेरा पेट भरे मर जाओ सब मरे, तो ऐसा नहीं, समाज अच्छा होना चाहिए। पहले हमारे यहां कहते थे नमक हरामी नहीं करनी, आजकल तो साहब नमक हलाली ढूंढना मुश्किल है। जिसके खाते उसी के खाते खराब करते हैं हम, ये समाज का निर्माण ठीक नहीं है। अगर विश्वास मर गया तो संसार भी मर गया समझो, विश्वास को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन खड़े हो गए, बोले सावधान चंदेरी नरेश, तुम अगर हमारे अतिथि नहीं होते ना तो आज हम तुम्हें अभी यहीं मार देते, हमारे कृष्ण को कुछ मत कहना। तेरा कृष्ण, और सुनाने लगा। तो भगवान की तरफ देखा, भगवान से पूछा ये गाली दे रहे हैं आपको और आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले हाँ इसका काम है जो ये करे, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे। बोले अर्जुन तुम जानते नहीं हो, जरा सुनिए सावधान से, अर्जुन तुम जानते नहीं ये मेरी बुआ का लड़का है, शिशुपाल जो है वो मेरी बुआ का लड़का है। और जब ये हुआ था ना तब इसके चार भुजा थी, तीन नेत्र थे, और जब मैं इसे देखने गया तो इसकी दो भुजा और एक नेत्र गिर गया, दो भुजा और एक नेत्र गिर गया। बुआ ने ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा पता करवाया, तब पता चला ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। बुआ उस इसी शिशुपाल को मेरे पास लाई और मेरी गोद में रख दिया और कहा कृष्ण बताओ तुम इसे मारोगे। बोले मैं क्यों मारूंगा। बोले मुझे पता चला है कि इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों से, कृष्ण ये बच्चा है ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। तो मैंने उस समय बुआ को वचन दिया, बुआ संसार में लोग दो तीन चार अपराध क्षमा नहीं करते, ज्यादा तीन, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। कितने? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा और इसे 100 अपराध तक मारूंगा नहीं, आपकी के लिए, आपके लिए।
अर्जुन बोले मैंने वचन दे रखा है, भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन मैंने वचन दे रखा है, अभी इसे देने दो, अभी तो शुरू किया, मैं काउंट कर रहा हूं स्माइल के साथ। अच्छा, अर्जुन ने जाके कहा कि अब ज्यादा हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, लुढ़का दिए जाओगे। बोले कौन हो ये मारेगा मुझे? अरे कालिया ऊपर क्यों बैठा है? अरे वो माखन चोर, अगर इतना ही सामर्थ्य है तो नीचे उतर और मुझसे युद्ध कर और बता इस संसार को कि मुझ में और तुझ में से सबसे ज्यादा योद्धा कौन है, बलवान कौन है, बता दे सबको। श्री कृष्ण बोले अर्जुन सुना क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नीचे उतर। पर शिशुपाल मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए हो। आज आपने देखा होगा बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है लोगों को, जो लोग सफल हो रहे होते हैं उन्हें गिराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। लोग आज पहले मंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलने लगे, अब षड्यंत्र चलते। लेकिन मानव भूल जाता है जब किसी को गिराने के लिए आप प्रयास करते हो उस समय वो नहीं गिरता, पहले आप गिरते हो, पहले आप गिरते हो महाराज। और गिराने वाला कभी बड़ा नहीं होता, उठाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप किसी को उठा के देखो, अगर इतनी बुद्धि है, इतना चित्त है, इतनी सामर्थ्य है, किसी को उठाओ ना। गिराने का काम तो पशुओं का है, मानवों का नहीं है। और आजकल मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है मानवों के भेष में पशु बहुत घूम रहे हैं। अब देखो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को सरेआम गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं और अपनी शान समझ रहे हैं। अरे भाई, भगवान ने मानव बनाकर भेजा था, पशु कब बन गए? किसी को गाली देना तुम्हारी मानवता है? किसी का अपमान करना, किसी को गिराना? जो मानव किसी को गिराता है वो खुद गिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को कहा नीचे उतर, बोले तुम ऑलरेडी बहुत नीचे उतर चुके हो। और सुनिए, दुनिया में भी वो देखे जो तुम दिखा रहे हो, दुनिया में भी वो देखे जो तुम दिखा रहे हो, पर मेरा कन्हैया वो भी देख लेता है जो तुम छिपा रहे हो। दुनिया वालों की सामर्थ्य नहीं, कितना देखेगी दुनिया? जो मैं यहां से बोल रहा हूं वही ना देख रहा है, वही ना सुन रहे हो आप। लेकिन जो मेरे मन में अभी चल रहा है वो भी तो वो देख रहा है। दुनिया वो देखेगी जो तुम दिखा रहे हो, कन्हैया वो भी देख लेगा जो तुम छिपा रहे हो। डोंट फॉरगेट दिस थिंग माय डियर। आप ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, कुछ भी नहीं। और सुनो, किसी भी कर्म का फल देना, रिजल्ट देना, न तेरे हाथ में है, न मेरे हाथ में है, न इसके हाथ में है, न तेरे बाप के हाथ में है, न मेरे बाप के हाथ में है, न इसके बाप के हाथ में है। किसी भी कर्म का रिजल्ट देना हम सबके बाप के हाथ में है। इसके हाथ में, वो हम सबका बाप है। और वो देख के, वो क्योंकि उसे तो दिख रहा है सब, तो ज्यादा क्लेवर होने की जरूरत नहीं है। दुनिया को ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि वो भी देख रहा है जो तुम दिखा नहीं रहे हो। इसलिए भगवान के आगे हमेशा सरल चित्त बनकर जितनी सेवा हो सके करो। खैर, शिशुपाल ने बहुत गालियां दी तो भगवान ने कहा ले अब तेरो भंडारो कर ही दूं। चट चक्र उठाए और शिशुपाल को गोविंदाय नमो नमः जा बेटा काम कर।